अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ आयरलैंड वेक्सफोर्ड में, और आज हम लोग यहाँ पे एक अपने अंकल के गैराज का टूर करेंगे कि उन्होंने बहुत ही एंटीक और पुरानी गाड़ियाँ शौक से रखी हुई हैं। हम आपको एक एक करके उनकी सारी गाड़ियाँ दिखाएंगे, और उन्होंने बहुत ही पुरानी और जेन्युइन और बड़ी शौक से गाड़ियाँ रखी हुई हैं। आइए हम आपको गैराज का टूर करवाते हैं। आज की जो सबसे पहली गाड़ी है वो टोयोटा यारिस 2004 मॉडल की, और ये भी 753 अपनी जेन्युइन हालत में मौजूद है। और इसको आप भी सबसे पहले इसको बाहर से देखें। अभी इंटीरियर में इसके फ्रंट के दो पावर विंडो मिरर मिल जाते हैं आपको, और इसके अलावा पावर मिरर मिल जाते हैं, सीडी प्लेयर वगैरह की ऑप्शन मिल जाती है, हीटर मिल जाता है, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको डिजिटल मिल जाता है। ये इसकी फैब्रिक सीट्स जेन्युइन है, और ये आप इसकी बैक लाइट्स और बैक से देख सकते हैं। रेयर वाइपर मिल जाता है, डिफॉगर मिल जाता है बैक स्क्रीन पे, और ये 1 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ टोयोटा यारिस 2009। अभी हम अगली गाड़ी की जानब जाते हैं। ये जो आप गाड़ी अभी देख रहे हैं ये बहुत ही स्पेशल एंटीक गाड़ी है, 98 मॉडल की होंडा। ये होंडा सिविक है और बहुत ही साफ़ सुथरी, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी। अभी सिर्फ जस्ट 1 लाख माइल्स चली है, 1 लाख समथिंग माइल्स है, और ये सनरूफ के साथ बिल्कुल साफ़ सुथरी और अपनी हालत में मौजूद है। जेन्युइन अलॉयज इसको इंस्टॉल है। इसके अलावा ये गाड़ी बैक से आप देखें, बहुत ही साफ़ सुथरी, 22 साल पुरानी गाड़ी है, लेकिन बिल्कुल भी ये लगती है कि ये 2018 या 17 मॉडल की गाड़ी है, इतनी साफ़ सुथरी गाड़ी है। और अभी आपको इसका 360 व्यू देखें। अभी इसका हम बूट खोलते हैं, बूट में इसके अच्छी स्पेस मौजूद है, और ये इन्होंने एम्पलीफायर भी इसमें इंस्टॉल किया हुआ है, और काफ़ी खुला बूट है। इसके अलावा अगर इसकी सील्स वगैरह देखें तो ये बिल्कुल जेन्युइन है। इंटीरियर में जाते हैं तो इसके पावर मिरर मिल जाते हैं हमको, पावर विंडो मिलते हैं, और ये फैब्रिक सीट्स मिलती हैं जो कि वेलवेट वाली की हैं दरमियान में, और बहुत ही साफ़ सुथरी हालत में है। और अभी हम उसका अंदर से इंटीरियर देखते हैं, फ्रंट से डैशबोर्ड वगैरह। तो सबसे पहले खोलते ही हमें डोर के अंदर चारों विंडो पावर मिल जाते हैं, सेंट्रल लॉकिंग मिल जाती है, और मिरर पावर मिरर मिल जाते हैं, और इसके अलावा हेडलाइट्स की एडजस्टमेंट मिल जाती है, और मीटर के अंदर हमें इंफोटेनमेंट क्लस्टर मिल जाता है, सीडी प्लेयर मिल जाता है, दरमियान में आर्म रेस्ट मिल जाता है, फैब्रिक सीट्स मिल जाती हैं, और इस तरह की गाड़ी एकदम साफ़ है। इसको स्टार्ट करके साउंड मिलते हैं। बहुत साफ़ सुथरे इंजन के साथ बहुत ही स्पेशल पीस है। अभी आप देखें इसका इंजन कितना साफ़ है, बिल्कुल अपनी जेन्युइन हालत में, ओरिजिनल इंजन है इसका और बहुत ही साफ़ सुथरा है, बिल्कुल पूरे इंजन पे कोई वो नहीं है, लीकिंग वगैरह या कुछ भी। और ये इसकी शीट्स वगैरह भी जेन्युइन लगी हुई हैं, साथ में सील्स वगैरह सही है, सारी गाड़ी बहुत ही साफ़ सुथरी है। तो इसके अलावा हम अगली गाड़ी की जानब बढ़ते हैं। ये है 96 मॉडल की करोला हैचबैक जो कि 1.6 पेट्रोल इंजन में है, और ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये भी इतनी ही साफ़ सुथरी गाड़ी, सेम कलर में शौक से रखी हुई है। बहुत ही, अभी इसका 360 व्यू आप देख रहे हैं, बहुत ही साफ़ सुथरी गाड़ी है। अभी हम इसके बैक पे आते हैं तो इसके बैक पे खूबसूरत सी लाइट्स मिल जाती हैं जो कि पाकिस्तान के दो 95-96 मॉडल हैच सलून से मिलती जुलती हैं, लेकिन ये हैचबैक है। ये इसका फ्यूलेट, इसके अलावा इसके ब्लैक कलर के डोर हैंडल, इसके अलावा इसमें सनरूफ की ऑप्शन भी हमें मिल जाती है देखने को, इसके अलावा काफ़ी खूबसूरत अलारम्स इसको डाले हुए हैं, और ये इसकी डिस्क वगैरह हैं, डिस्क जिसमें इंश्योरेंस का, एनसीटी का और रोटेक्स का होता है, और ये इसकी अप फ्रंट स्क्रीन और सनरूफ, सनरूफ के ऊपर रेड टेप की हुई है। इंटीरियर में चारों पावर मिरर मिलते हैं, उसके अलावा अपना हाई एडजस्टेबल लाइट्स मिलती हैं, हेडलाइट्स, उसके अलावा सीडी प्लेयर, और दरमियान में एसी हीटर के ऑप्शंस, ऑटोमेटिक 4 स्पीड मैन ट्रांसमिशन, दरमियान में आराम रेस्ट, और बहुत ही साफ़ सुथरी सीट्स, और इसकी तरह बैक डोर का पैनल, और ये बैक सीट्स और फ्लोर वगैरह सब कुछ बहुत साफ़ सुथरा, जंग से पाक, बिल्कुल साफ़ सुथरी गाड़ी है। इसके अलावा इसमें एज का बहुत ही प्यारा साउंड सिस्टम इसमें डाला हुआ है, जिसमें दो स्पीकर्स इंस्टॉल हैं सब वूफर में, और 6 स्पीकर्स इसके पीछे इंस्टॉल हैं, 4 स्पीकर्स डोर्स में हैं, तो टोटल मिला के कह लें कि कोई 6, 4, 10 और 12 स्पीकर डाले हुए इस गाड़ी में। तो
तो बहुत ही प्यारा साउंड सिस्टम है इस गाड़ी का। अभी इसकी बैटरी नहीं है वरना हम आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। काफ़ी देर से ये गाड़ी खड़ी है स्टार्ट नहीं की, तो इस वजह से इसकी बैटरी चार्ज नहीं है, तो हम इसको स्टार्ट नहीं कर सकते। अभी पीछे से आप इसका व्यू देखें, बहुत ही खूबसूरत गाड़ी अंदर से, साफ़ सुथरी। अगली गाड़ी जो टोयोटा करोला 2005 मॉडल की 1.4 डीजल इंजन के साथ, और ये बिल्कुल नॉर्मल स्पेक्स की गाड़ी है और ये दिन रात चलने वाली गाड़ी है। इसकी क्लॉक पे तकरीबन 2,87,000 माइल्स हैं और ये दिन रात चलने वाली गाड़ी है। तो अभी इसकी ये कोई इतनी साफ़ सुथरी हालत में नहीं है, लेकिन बहरहाल अच्छी गाड़ी है। ये भी 1.4 D4D इंजन के साथ आती है। और अभी आप इसकी बाहर से लुक देख सकते हैं, इसको बड़ी लाइट्स भी LED इंस्टॉल किए हैं बाहर से। अब इंटीरियर में इसको देखते हैं तो दो पावर मिरर मिल जाते हैं, दो पावर विंडो मिल जाते हैं, पावर मिरर मिलते हैं। इसके अलावा हेडलाइट एडजस्टेबल और AC हीटर और फैब्रिक सीट्स के साथ ही इसका इंटीरियर आता है। अभी जब हम अगली गाड़ी, ये होंडा सेविक है 98 मॉडल की, ये भी इतनी साफ़ सुथरी हालत में नहीं है। ये गाड़ी आप इसका 360 व्यू ले लें, क्योंकि मैं आपको स्पेशल गाड़ियाँ दिखा रहा हूँ, तो ये स्पेशल में नहीं आती, क्योंकि ये दिन रात चली हुई गाड़ी हैं, तो इसलिए इतनी साफ़ सुथरी हालत में मौजूद नहीं है। अभी हम जब अगली गाड़ी आपको दिखाने वाले हैं, वो गाड़ी बहुत ही स्पेशल है, और ये है ऑडी A6, 2010 का मॉडल है ये, और बहुत ही साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन कंडीशन में मौजूद है। ये 2 लीटर डीजल इंजन के साथ है और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है इसकी। ये देखें आपको इसको 19 इंच के बहुत ही खूबसूरत अलाइस। इसके अलावा ये आपको इसका फ्यूल लेट देख सकते हैं, बॉडी कलर, डोर हैंडल्स देख सकते हैं। इसके अलावा रिट्रैक्टेबल मिरर, और ये एस लाइन पैकेज के साथ आती है, जो ऑडी का एस लाइन पैकेज है, ये उस पैकेज में आती है ये गाड़ी। और ये 19 इंच का टायर इसका। इसके अलावा इसकी हेडलाइट्स में DRL मिल जाती है हमें, प्रोजेक्टर लैंप्स मिल जाते हैं, हाई बीम मिल जाती है, हेडलाइट वॉशर मिल जाता है, नीचे फॉग लैंप्स का ऑप्शन मिल जाता है, बड़ी ऑडी की ऑडी स्टाइल क्रोम ग्रिल मिल जाती है, सेम दूसरी साइड पर भी इसी तरह। ये आप इस गाड़ी के साइड से व्यू देखते हो, बहुत ही ह्यूज साइज़ की ये सेडान गाड़ी है, बहुत बड़े साइज़ की गाड़ी है ये, और बहुत ही खूबसूरत साफ़ सुथरी हालत में मौजूद है ये। अभी हम इसके बैक पे इंटीरियर में चलते हैं, तो इंटीरियर से भी बहुत खूबसूरत एस लाइन पैकेज है, हीटेड सीट्स मिल जाती हैं आपको इसमें। और इसके अलावा भी आपको हम आपको दिखाते हैं, ये इसका अंदर से इंटीरियर है, सेट नैव लगा हुआ है, स्टीयरिंग कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और इसमें अपना AC हीटर, ये आप इसकी रूम लाइटिंग्स, और इसी तरह पर नीचे ऑटो ऑटो डिम मिरर, रेयर व्यू मिरर, और इसके नीचे इसी तरह फिर इसके AC के ऑप्शन है, इस हीटिंग्स के, फिर म्यूज़िक सिस्टम के, और सारे मैनुअल ट्रांसमिशन है इसमें, और ये ऑडी स्टाइल स्टेयरिंग है इसमें, क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है देखने को हमें, और स्टेयरिंग कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये इसका मैनुअल जो क्लच ब्रेक और एक्सलेटर है। इसके अलावा पावर विंडोज़, एस लाइन पैकेज, एस लाइन का म्यूज़िक सिस्टम, और एडजस्टेबल हेडरेस्ट। इसके अलावा बहुत ही खूबसूरत हीटिंग सिस्टम। इसके अलावा बहुत 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 बड़े साइज़ का इसका हमें ट्रंक स्पेस देखने को मिलता है, ह्यूज साइज़ का ट्रंक स्पेस है। और इसके अलावा ऑडी स्टाइल बैक लाइट्स। इसके अलावा अगर हम इसके पीछे देखें, पीछे वाला डोर ओपन करें, तो पीछे बहुत ही ज़्यादा स्पेस मिल जाती है, डोर्स में स्पीकर्स मिल जाते हैं, और इसमें इसके अलावा ये एशट्रेस के डोर्स में दी हुई होती है सारे डोर्स में इसी तरह, और पीछे रेयर एसी वेंट्स मिल जाते हैं। और बाकी ये गाड़ी देख सकते हैं, बहुत साफ़ सुथरी गाड़ी है, थोड़ी साफ़ करने वाली है। इसके अलावा अगर हम इसके ड्राइवर साइड पे देखें, तो 4 पावर विंडो मिरर, और इसके अलावा हेडलाइट्स के ऑप्शन, इसके अलावा इसके इन्फॉर्मेशन क्लस्टर में दूसरी चीज़ें, और इसी तरह हीटेड सीट्स, लेदर, और स्टार्ट करी भाई साहब नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो एस तो स्टार्ट की थी, उन्हें सलेंसर दूसरा लगा ना, तो स्पोर्ट्स करके इन्हों पर तो स्टार्ट करना है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और अगर हमारा कंटेंट पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।